फिल्म फ्लैशबैक के साथ खुलती है जब हमारा नायक विक्टर छोटा लड़का था। एक भाग्यशाली दिन वह और उसका परिवार एक दुर्घटना में फंस जाते हैं क्योंकि उनकी कार पुल से गिर जाती है। हालांकि विक्टर बचने में सफल हो जाता है, उसके पिता इसे नहीं बना पाते। वर्तमान में एक किशोर विक्टर को दुर्घटना के बारे में बुरे सपने आते हैं और उसने ऊंचाई का एक अक्षम्य डर विकसित कर लिया है। एक सुबह वह स्कूल जाने से इनकार करता है क्योंकि छात्रों को पास के पहाड़ों की सैर पर ले जाया जा रहा है। वहाँ वे सूर्य ग्रहण देखने की योजना बनाते हैं, लेकिन विक्टर को डर है कि जब वे शीर्ष पर पहुंचेंगे तो उसका फोबिया शुरू हो जाएगा। हालांकि उसकी माँ उसे यह वादा करके अपना मन बदलने के लिए मजबूर करती है कि उसके पिता हमेशा उसकी रक्षा करेंगे। इस बीच 1000 साल पहले एक शमन एक जादू करता है जो उसे एक शक्तिशाली कलाकृति जिसे स्टोन ऑफ पावर कहा जाता है ढूंढने में मदद करेगा। वह इसका उपयोग पूरी दुनिया पर राज करने के लिए योजना बना रहा है। सामने की आग ड्रैगन के सिर का आकार बनाती है जो वर्तमान में विक्टर की जैकेट की छवि से मेल खाती है। इस बीच विक्टर अपने सबसे अच्छे दोस्त वुवचिक के साथ सैर पर मजे करता है। उसने कुछ आतिशबाजियां भी लाई हैं जो दिन के अंत में चलाई जाएंगी। दूसरी ओर वुवचिक मजाक करने के लिए एक मेगाफोन लाया है। थोड़ी देर जंगल में चलने के बाद समूह एक पुल पर पहुंचता है। हालांकि विक्टर बीच में ही जम जाता है क्योंकि उसे फोबिया है। यह वुवचिक को उसे पुल की शुरुआत में वापस खींचने के लिए मजबूर करता है जबकि पूरी कक्षा उस पर हंसती है। शर्मिंदा होकर विक्टर जंगल में भाग जाता है और बाकी सबसे छिपकर एक चट्टान के पास छिप जाता है। थोड़ी देर बाद वुवचिक अपने दोस्त को ढूंढता है और उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है। हालांकि उनकी बातचीत बाधित हो जाती है क्योंकि सूर्य ग्रहण शुरू हो जाता है। अचानक एक बड़ा भूकंप इलाके को हिला देता है। वुवचिक चट्टान के किनारे से गिर जाता है और बस चट्टानों को पकड़े रहता है। समय पर विक्टर उसकी मदद करना चाहता है लेकिन ऊंचाई का उसका डर उसे जकड़ कर रखता है और इससे पहले कि वह कुछ करने की हिम्मत जुटा सके एक जादुई पोर्टल उसके पीछे खुलता है और विक्टर को वुवचिक के मेगाफोन के साथ अवशोषित कर लेता है। जब विक्टर अपनी आंखें फिर से खोलता है तो वह खुद को उसी चट्टान पर 1000 साल पहले पाता है। पास में एक कवच पहने हुए व्यक्ति है जिसका नाम अलेश्को है, जिसे कुमान नामक दुश्मन सैनिकों के एक समूह द्वारा हमला किया जा रहा है। अलेश्को एक चालाक तलवारबाज होने के नाते इन सैनिकों को आसानी से हरा देता है, लेकिन चीजें तब जटिल हो जाती हैं जब उस पर उनके नेता अंडेक द्वारा हमला किया जाता है जो उसे जल्दी से हरा देता है और बैकअप के रूप में अधिक सैनिक लाता है। उसी समय विक्टर लड़ाई को बेहतर तरीके से देखने की कोशिश में ठोकर खाता है और गलती से मेगाफोन चालू कर देता है। यह सैनिकों का ध्यान भटकाता है और अलेश्को को भागने का मौका देता है। सौभाग्य से उसके पास एक घोड़ा है और वह उठाता है। क्यूबा के सैनिकों के हाथ लगने से पहले विक्टर कुछ समय बाद विक्टर और अलेश्को एक नदी तक पहुंचते हैं जहां बाद वाला पानी की आत्मा को रास्ता बनाने के लिए बुलाता है। इस रास्ते के पार करने के बाद यह गायब हो जाता है जिससे एंडक और कुमानों को फिलहाल पीछा छोड़ने के लिए मजबूर कर देता है। इसके बाद अलेश्को विक्टर को अपने गांव ले जाता है जिसे एक किले द्वारा संरक्षित किया गया है। विक्टर के वस्त्र और बोलने का तरीका निवासियों को अजीब लगता है और वे डरते हैं कि वह एक जासूस हो सकता है, इसलिए वे उसे जेल में डाल देते हैं जब तक कि वे यह तय नहीं कर लेते कि क्या करना है। इस बीच अंदाक अपने मिशन की विफलता पर चर्चा करने के लिए शमन से मिलने जाता है, लेकिन जब वह अजीब कपड़ों में लड़के के बारे में सुनता है तो शमन आश्चर्यजनक रूप से खुश होता है। वह मानता है कि विक्टर वह व्यक्ति है जो उन्हें पावर स्टोन तक ले जाएगा। कुछ समय बाद विक्टर से ओलिन का मिलती है जो एक युवा स्थानीय लड़की है जो उसे दूध लाती है और सुनिश्चित करती है कि वह ठीक है। जल्द ही अलेश्को उसे लेने आता है और उसे परीक्षा के लिए नदी पर ले जाता है। जल आत्मा तय करेगी कि वह जासूस है या भरोसेमंद। जब वे नदी तक पहुंचते हैं तो उसे हाथ बांधकर पानी में फेंक दिया जाता है, लेकिन नदी की आत्मा उसे योग्य मानती है और बिना चोट पहुंचाए उसे बाहर निकाल देती है। फिर विक्टर को गांव वालों में से एक माना जाता है और वह नेताओं से ठीक से मिलता है। नेताओं में बुद्धिमान बुजुर्ग ओवेसी और योद्धा अलेश्को, इल्जा और डोब्रिंजा शामिल हैं। अचानक उनके नाम विक्टर को एहसास कराते हैं कि ये वे महान योद्धा हैं जिनका वर्णन प्राचीन कविताओं में किया गया है। फिर वह दावा करता है कि वह 1000 साल आगे के भविष्य से आया है। शुरुआत में वे उस पर विश्वास नहीं करते, लेकिन जब वह अपना माइक्रोफोन इस्तेमाल करता है तो वे हक्के बक्के रह जाते हैं। विक्टर फिर अपने समय में लौटने का तरीका पूछता है और ओवेसी से देखने का वादा करता है। शाम को बाद में अलेश्को कुछ खबरों के साथ आता है। नदी की आत्मा से बात करने के बाद विक्टर के लिए एक रास्ता है पर वापस भविष्य। इससे उसे एक जादूगर की तलाश करनी होगी जो उसे बलपूर्वक समय पोर्टल खोलना सिखा सके। सौभाग्य से अलेश्को को पता है कि एक जादूगर कहाँ मिलेगा। जैसे जैसे दिन बीतते हैं विक्टर गांव में तलवार और धनुष चलाना सीखने में अपना समय बिताता है। वह किले की वॉच टावर भी देख सकते हैं जो इतनी ऊंची है कि वे पूरे राज्य पर नजर रख सकते हैं। बाद में वह तो हरिन से भी मिलता है, एक मंदबुद्धि कुमान कैदी जो चौकी के पास एक पिंजरे में बंद है। प्रशिक्षण सत्र समाप्त होने के बाद विक्टर गांव छोड़ देता है
वह ओलेश को द्वारा दिखाए गए नक्शे का उपयोग करके जादूगर की तलाश में है। सौभाग्य से जब ओलेन का मशरूम इकट्ठा कर रही होती है, वह उससे मिलता है और उसे क्षेत्र की अच्छी जानकारी होने के कारण उसे मार्गदर्शक बनने के लिए मना लेता है। शमन के जासूस कौवे को देखे बिना किशोर कुछ घंटों तक चलते हैं, जब तक कि वे एक रास्ते में प्रवेश नहीं कर लेते। दो विशाल चट्टान की दीवारों के बीच का रास्ता। विक्टर अचानक खुद को एक उजाड़ भूमि में पाता है, जो पास में रहने वाले एक जादूगर द्वारा डाली गई एक मृग तृष्णा है। वह अपने मन में अजीब आवाजें सुन सकता है। आवाजें कहती हैं कि अगर वह ज्ञान चाहता है तो उसे बिना झूठ बोले अपने सबसे बड़े डर को स्वीकार करना होगा। बिना किसी झिझक के विक्टर कार दुर्घटना और ऊंचाई के डर की अपनी कहानी साझा करता है। जादूगर लड़के को उसकी कमजोरी स्वीकार करने के लिए अनुमोदित करता है और वह जानकारी साझा करता है जो वह ढूंढ रहा है। वह बताता है कि एक कलाकृति जिसे पावर का पत्थर कहा जाता है, उसे भविष्य का द्वार खोलने में मदद कर सकती है। हालांकि जब विक्टर पूछता है कि पत्थर कहाँ मिल सकता है, तो जादूगर पहेली में जवाब देता है। वह कहता है कि इसे वहां पाया जा सकता है जहां बिना पंख वाले अपने घोंसले बनाते हैं, और यह तब दिखाई देगा जब विक्टर हवा में उड़ेगा। केवल कोई व्यक्ति जो अपने दिल से दूसरे दिल को छूने में सक्षम है, शक्ति का पत्थर प्राप्त कर सकता है। जादूगर पहेली कहने के तुरंत बाद विक्टर ओलेनका के साथ जंगल में लौटता है। जब वह पहेली साझा करता है तो वह अनुमान लगाती है कि बिना पंखों वाले का घोंसला पास के गांव स्टॉर्क विलेज को संदर्भित कर सकता है। कुछ घंटे बाद यह जोड़ी गांव पहुंचती है। विक्टर मौके पर ही एक पतंग बनाता है और पहेली की तरह हवा के साथ सवारी करता है। फिर थोड़ी देर बाद पतंग अपने आप पास के छोटे तालाब में गिर जाती है। फिर वह पानी में कूदता है, पतंग से बंधी डोरी का पीछा करता है और आखिरकार शक्ति का पत्थर ढूंढ लेता है। विक्टर को इसका पता नहीं होता है। शमन का जासूस कौआ यह सब देखता है और अपने मालिक को बताने के लिए उड़ जाता है। जैसे ही यह खबर शमन तक पहुंचती है, वह जीरा सैनिकों का एक समूह पत्थर चुराने के लिए भेजता है। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, ये निर्दयी योद्धा न केवल विक्टर और ओलेनका का अपहरण करते हैं, बल्कि स्टॉर्क गांव को भी आग लगा देते हैं। सौभाग्य से चौकी की बदौलत किले के सैनिकों को हमले के बारे में पता चल जाता है। हमला करें और तुरंत अपने योद्धाओं को भेजें, जिसका नेतृत्व इलिया, डोब्रिंजा और ओलेश को कर रहे हैं। उन्होंने अपनी बेहतर तलवार कौशल से आसानी से इंसानों को हरा दिया। जब हर कोई जीत के बाद किले में वापस आता है, तो इलिया वादा करता है कि वह विक्टर को निर्देशित करेगा ताकि वह उस पोर्टल को ढूंढ सके जिससे वह आया था। लेकिन ओवसी सुझाव देता है कि उन्हें तूफान का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि पत्थर बनाने वाला देवता गरज का स्वामी था। वह मानता है कि केवल एक तूफान ही इसकी शक्ति को सक्रिय कर सकता है। बाद में विक्टर ओवसी का पीछा करते हुए उनके घर जाता है और पता चलता है कि बूढ़ा आदमी उड़ने वाली मशीन बनाने की कोशिश कर रहा है। भविष्य से आया लड़का कागज के हवाई जहाज का उपयोग कर उसे वायु गतिकी के बारे में सिखाने का मौका लेता है। तब से विक्टर और ओवसी ने साथ में कार्यात्मक पंख बनाने पर काम किया। अगले दृश्य में ओवसी सुझाव देते हैं कि शक्ति के पत्थर को छिपाने के लिए सबसे अच्छी जगह वॉच टावर के ऊपर है, लेकिन जब विक्टर उसके साथ वहां जाने से मना कर देता है, वह युवा लड़के को याद दिलाता है कि अपने डर का सामना करना महत्वपूर्ण है। थोड़ी देर बाद विक्टर और ओनफसी ने चोटी पर पहुंचने में कामयाबी हासिल की, जहां सीढ़ी पत्थर को चट्टानों के ढेर के नीचे छिपाती है। दुर्भाग्यवश शमन अपने जादुई आग में यह सब देखता है। कुछ घंटों बाद एक भारी ओलावृष्टि आती है। बड़े ओले पिंजरे में कैद तुहरिन को मारते हैं, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। सौभाग्य से विक्टर कुछ पुराना पाल लेता है और कैदी की सुरक्षा के लिए पिंजरे को उससे ढक देता है। उस रात एक बिजली की चमक पहरेदारी मीनार के ऊपर चट्टानों के ढेर को मारती है। शक्ति का पत्थर और अन्य चट्टानों के साथ पिंजरे के पास गिरता है। तुहरिन चालाकी से मलबे का उपयोग करके ताले को तोड़कर भाग जाता है। वह गांव से कई चीजें लेता है, जिनमें शक्ति का पत्थर और अन्य चट्टानों के टुकड़े शामिल हैं, और फिर भाग जाता है। फिर वह कुमेन शिविर में जाता है, जहां शमन ध्यान देता है कि पायरिन ने गलती से पावर स्टोन लाया है। इसलिए वह अंडेक को सूचित करता है कि अब उन्हें पत्थर को काम में लाने के लिए व्यक्ति की आवश्यकता होगी जिसने इसे प्राप्त किया था। अगली सुबह किले में लोग पाते हैं कि तुहरिन और पत्थर गायब हैं। इसके बावजूद विक्टर और उपसी उड़ने वाली मशीन को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि यह युद्ध के बिना पत्थर को पुनः प्राप्त करने की उनकी एकमात्र आशा है। कुछ समय बाद ओवसी और ओलेनका बाहर जाते हैं जामुन और कुछ काई इकट्ठा करने। वहां उन पर क्यूमंस के एक समूह द्वारा हमला किया जाता है, जो ओलेनका का अपहरण कर लेते हैं। ओवसी खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन घायल हो जाता है। किसी तरह वह गांव पहुंच जाता है और सभी को जो हुआ उसके बारे में बताता है, लेकिन जल्द ही वह अपनी चोटों के कारण मर जाता है। दूसरी ओर ओलेनका को अंडेक के पास ले जाया जाता है। वह विक्टर द्वारा दिया गया कागज का पक्षी छीनता है और इसे कौवे के साथ किले में भेजता है। जब विक्टर इसे प्राप्त करता है, तो वह अपनी जान जोखिम में डालने का निर्णय लेता है और अकेले कुमान शिविर के लिए निकल जाता है। वहां उसे कहा जाता है कि अगर वह ओलेनका को जीवित रखना चाहता है तो पत्थर को सक्रिय करे। लेकिन विक्टर चालाकी से अपने बैग से पटाखे निकालता है, उन्हें जलाता है और सैनिकों पर फेंक कर अफरा तफरी मचाता है। दुर्भाग्यवश वह और ओलेनका भागने से पहले वे एंडेक द्वारा पकड़े जाते हैं, जो उन्हें पत्थर को सक्रिय करने का अंतिम मौका देता है।
विक्टर को नहीं पता कि क्या करना है जब तक वह अपने दिमाग में पहेली नहीं पढ़ता और दिल का एहसास नहीं करता। दिल से जुड़ने का मतलब है मानव बंधन का जादू। वह ओलेनका के पास आता है और जब वे पत्थर को एक साथ पकड़ते हैं तो इसके अंदर का जादू अंततः जीवित हो जाता है। इस क्षण में शमन पत्थर को छीन लेता है और एंडिक हायरीन को किशोरों को मारने का आदेश देता है। हालांकि तू हायरीन ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसे याद है कि विक्टर उसके प्रति कितना दयालु था। इसके बजाय वह दोनों कैदियों को रिहा करता है और उन्हें एक घोड़ा देता है। अगली सुबह विक्टर और ओलेनका किले में लौटे और सभी को आने वाले मानव हमले के बारे में चेतावनी दी। अगले दिन क्यूबा की सेना के साथ एक विशाल गोलेम आता है, एक विशाल जानवर जो पत्थरों से बना है जिसे शमन पत्थर की शक्ति से नियंत्रित करता है। जानवर एक बड़ा पत्थर उठाता है और उसे किले के द्वार पर फेंकता है जिससे यह पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। आसन्न खतरे को भांपते हुए ओलेश को दुर्ग छोड़ देता है और गोलेम को अपने पीछे लगा लेता है। वह कुशलतापूर्वक प्रत्येक धीमे हमले से बचता है जब तक कि वह जानवर को ठोकर मारकर नदी में गिरा नहीं देता जहां जल आत्मा इसे पकड़ लेती है। उसी क्षण एक नया ग्रहण शुरू होता है और एंडेक अपनी सेना को किले पर हमले का आदेश देता है। हालांकि गांव वाले तीन शूरवीरों के नेतृत्व में साहसपूर्वक अपने घर की रक्षा करते हैं। जब अंदाक को एहसास होता है कि वह हारने वाला है तो वह लड़ाई छोड़ने का फैसला करता है युद्ध में, लेकिन शमन गोलेम को पानी से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है एक और हमले के लिए। यह देख विक्टर वॉच टावर के शीर्ष पर चढ़ने और शमन तक पहुंचने के लिए उड़ने वाली मशीन का उपयोग करने की योजना बनाता है। ओन अफसी के समर्थन के शब्द उसके मन में गूंजते हैं और उसे अपने डर को दूर करने में मदद करते हैं, जिससे विक्टर उड़ने वाली मशीन पर चढ़ जाता है और दीवार से कूद जाता है। मशीन उतनी ही सहजता से उड़ती है जितनी उसने उम्मीद की थी। वह जल्द ही उस चट्टान पर पहुंच जाता है जहां शमन खड़ा है। विक्टर उसे धक्का देकर मार डालता है और अंततः पावर स्टोन को पुनः प्राप्त करता है। दुर्भाग्यवश एंडेक भी चट्टान पर आ जाता है पत्थर चुराने का इरादा रखते हुए। काफी संघर्ष के बाद विक्टर उसे सुरक्षित रखने के लिए पानी में फेंक देता है। पत्थर की शक्ति अब खत्म हो जाने के कारण गोलेम तुरंत राख में बदल जाता है। गुस्से में अपनी योजनाएं विफल होते देख अंडैक अपना हमला शुरू करता है विक्टर पर वापस, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर सके ओलेश को दृश्य पर पहुंचता है। दोनों आदमी फिर एक भयंकर लड़ाई में लग जाते हैं और अंत में एंडक शमन की तरह ही अपनी मौत के लिए गिर जाता है। घटना के बाद ओलेश को विक्टर को जंगल में ले जाता है जहां जादुई पोर्टल मौजूद है, और जैसे ही विक्टर पोर्टल में प्रवेश करता है वह वर्तमान में वापस आ जाता है जहां वोवचिक अभी भी चट्टान के किनारे पर लटका हुआ है। अब जब उसे ऊंचाइयों से डर नहीं लगता तो वह बहादुरी से अपने दोस्त को बचा लेता है। इससे विक्टर को कक्षा के बाकी छात्रों से तालियां मिलती हैं जो चट्टान के दूसरी ओर से देख रहे हैं। फिर फिल्म एक साल बाद करती है जहां विक्टर को एक दिल के आकार का पत्थर एक पास के जंगल में मिलता है। वह पत्थर को छूता है, दूसरी तरफ ओलेनका की उपस्थिति को महसूस करता है।